सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आरएस टेक राज को और प्रेस करें घंटे का बटन सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस टेक राज में। मैं राज आपसे बात करने वाला हूं फायरफॉक्स फोकस के बारे में, दी प्राइवेसी ब्राउजर। ऑफ कोर्स दी प्राइवेसी ब्राउजर जो नया ब्राउजर लॉन्च हुआ है फायरफॉक्स की तरफ से, जो एज ए एंड्रॉयड को ध्यान में रख के बनाया गया है, बिकॉज एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए तो ऑफकोर्स एंड्रॉयड को ध्यान में रख के बनाया गया। अजीब बात है, ऐसी भी बातें बोलने वाली हैं। तो फायरफॉक्स फोकस ब्राउजर आखिर करता क्या है? तो ये जो है आपको एक टाइप का ब्राउजिंग देता है। ओके, कोई भी जो सर्च इंजन है जैसे गूगल हो गए, याहू जी हो गए या फिर बिंग जी हो गए, ये लोग क्या करते हैं, आपकी जो प्राइवेसीज होते हैं इट मीन्स उसमें घुस जाते हैं। जैसे आपने कुछ सर्च किया, मान लीजिए आपको सर्च करना है बॉल, तो आपने डाला BALL। अब ये बेचारे अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको प्लस अपने कुछ लिंक जो हैं वो जोड़ेंगे कहाँ कहाँ से आप खरीद सकते हैं, फिर आपको गूगल्स पे या फिर अदर वेबसाइट के थ्रू वही चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो ये क्या कर रहे हैं, आपको ट्रैक कर रहे हैं। तो फायरफॉक्स ब्राउज़र क्या करेगा, इन सारे जितने भी ट्रैकिंग हैं, एड्स हैं, इन सबको हटा देगा, आउट। प्लस ये आपको ये भी ऑप्शन देता है कि सारे पासवर्ड्स, डाटा, कुकीज़ एक साथ आप डिलीट कर सको। तो ऑफकोर्स ये एक बेनिफिशियल फीचर है। देन ये आपको सिर्फ सिंगल टैब का ब्राउजिंग देता है, इट मीन्स आप मल्टीपल टैब इसमें ओपन नहीं कर सकते। इवन इसके अर्लियर वर्जन में जो कि अभी चेंज करके 1.1 कर दिया गया है, उसमें तो डाउनलोडिंग भी नहीं थी, बट अब डाउनलोडिंग सपोर्ट करता है। तो सो फिंगर क्रॉस्ड, अच्छी फीचर आ चुकी है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। आज अगर प्राइवेटली आप ब्राउज करना चाहते हो तो, बिकॉज बहुत टाइम होता है जो आप लोग सोचते हो कि हम ब्राउज़र के किसी और मोड में चले जाएंगे और सेफ हो जाएंगे, ऑफ कोर्स नॉट। जो ट्रैकर्स हैं अगर उन्हें जब तक डिसेबल नहीं किया गया तो वो आपको ट्रैक करेंगे ही करेंगे। ओके, तो अगर आपको ट्रैक होने से बचना है तो आप इस ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये ब्राउजिंग स्पीड को भी बढ़ा देंगे, बिकॉज जो एड्स होते हैं उनको लोड करने में, जो ट्रैकिंग साइट्स होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन भेजने में भी आपका जो डाटा प्लस जो बैंडविड्थ होता है वो यूज़ होता है। अगर वो उतना शॉर्ट हो जाए तो ऑफकोर्स ये थोड़ा फास्ट तो हो ही जाएगा। तो अगर आपको सिमलेस एक नए ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस करना है, अब इतना भी नहीं हो जाएगा कि आप जो जियो 4G प्लस एयरटेल दोनों को मिला दोगे तो उसकी स्पीड मिलेगी। ऑफकोर्स ये जियो की 128 kbps की जो स्पीड है उसको आप जियो 4G में ऐड कर सकते हो, तो उतनी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वही तो आपका कटआउट हो रहा था। तो अगर उसको भी बचाना है तो आप फायरफॉक्स कि जो ये प्राइवेसी ब्राउजर है आप उसे यूज कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ सब्सक्राइब करोगे तभी तो ऐसे वीडियोस देख पाओगे आप। और चैनल को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो मन में आए करो, बस चैनल पे बने रहो, देखते रहो, मिलते रहो, सीखते रहो। फिर मिलेंगे एक नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।